बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में आई हूँ, जिनका ना लंच चल रहा है। यहाँ पे जो लंच होता है वो फ्री होता है, सारे स्टूडेंट्स लंच कर रहे हैं। ये पास ही लाइब्रेरी है, यहाँ पे हर स्कूल के पास, हर सेकेंडरी स्कूल के पास, हर यूनिवर्सिटी के पास जो है वो लाइब्रेरी होती है। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखी है कि जो स्टूडेंट्स के घर का घर में सामान होता है ना, जो यूज़ में नहीं है, वो यहाँ पे ला के यहाँ पे इस तरह टेबल्स पे रख देते हैं। जिसको ज़रूरत हो यहाँ से वो फ्री ले सकती हैं। यहाँ कपड़े भी, जैकेट्स भी हैं, यहाँ कपड़े भी हैं, यहाँ बुक्स भी हैं। कितना अच्छा तरीका है ये। एक यहाँ मैंने और चीज़ नोट की है कि इन्होंने ना ये फ्री बुक्स रखी हुई हैं, जो भी चाहे यहाँ से ले सकते हैं। ये कितना अच्छा सिस्टम है। यानी मताले का जो शौक है शुरू से इनको दिया जाता है। बच्चे जब होती हैं ना स्कूल, बल्कि किंडरगार्टन से इनको ना बुक्स की तरफ इनका रुझान किया जाता है। तो ये देखें, जो हमारे बच्चे हैं वो रात को जब सर्दियाँ होती हैं तो रजाइयों में मोबाइल ले लेते हैं, और फिर उसी पता नहीं कब सोते हैं, कोई पता नहीं। जब इम्तहान पास आते हैं फिर बुक पकड़ लेते हैं, क्योंकि मैं खुद टीचर थी, मुझे इन बातों का पता है। सुबह के जब बच्चे आते होते थे स्कूल में, तो क्लास में बस वो कौन सा ड्रामा देखा, कौन सा ड्रामा था, कौन सी फिल्म थी, बस ये था, ये देखे इन बच्चों को। ड्रामे ये भी देखते हैं, फिल्में ये भी देखते हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादातर अपने जो मुताले का फ्री टाइम ज़्यादातर कोशिश कर रही हैं ये बुक्स पढ़ने के लिए। बुक्स के साथ उनको बहुत लगाव है, और बुक्स पढ़ने से वैसे भी जो आपका हफ्ता है वो बहुत तेज़ होता है। ये इनका है टिकट ऑफिस, यहाँ पे आप नंबर ले यहाँ से, तो जो भी आपका नंबर होगा तो आप उधर के काउंटर बने हैं, वहाँ पर जाकर अपनी टिकट बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेल्फ सर्विस के लिए मशीन लगी हुई हैं, यहाँ से आप खुद टिकट बाय कर सकते हैं। यहाँ से आपको फिर वहाँ काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी यहाँ से ना टिकट बाय कर सकते हैं। वो देखें जी, कबूतर भी आए हुए हैं, लगता है इन्होंने भी सफ़र पे जाना है। ये देखें, लगता जी भी टिकट लेने आए हुए हैं। बहुत सर्दी है ना, अब खाना शाना जो है वो कम मिलता है ना, तो ये भी वेट कर रहे हैं ट्रेन का। देखो लोगों के दरमियान में बैठे हुए, कोई डर नहीं है इनको, कोई नहीं डर रहे। ये है जिनका रेलवे की ट्रेन है, रेलवे ट्रैक है, और ट्रेन जो है वो जाने लगी है। यहाँ पे स्टेशन से बाहर आते ही यहाँ पे टैक्सियाँ खड़ी हैं। यहाँ पे टैक्सी का सिस्टम ये है कि ऐसे उन्होंने लाइन में लग जाना है, तो जो पहली दो टैक्सी होगी वो सवारी लेंगी, निकल जाएंगी, तो फिर उसके बाद जो उसके पीछे है वो आगे जाएंगी, उस जगह पे खड़ी हो जाएंगी। पाकिस्तान का मैं आपको बताती हूँ कि जब 2 साल पहले मैं पाकिस्तान जब गई, तो वहाँ पे ना मैं बाहर निकली एयरपोर्ट से, तो मेरे घर वालों को ना गलत फहमी लगी कि मैं ना, मेरे से गलती ये हुई कि मैं जब मुझे बोर्डिंग कार्ड मिले तो मैंने ना फ़्लाइट का नंबर और टाइम ना बताया, तो ये समझा कि मैं शायद मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, वो ना आए एयरपोर्ट में। तो मैं ना बाहर जब निकली तो मैंने देखा कि कोई टैक्सी ले लेती हूँ। मैं ना अभी
अभी मैं आगे बढ़ ही रही थी टैक्सियों की तरफ, तो एक आया भागा, उससे मेरा ट्रॉली मुझसे ट्राली खींची, छीनी मुझसे, छीन के तो भाग के जाके अपनी टैक्सी में नहीं रखनी शुरू कर दी। मैं उसके पीछे पीछे, वो मेरे आगे आगे, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जो ट्राली थी ना वो रिकवर करवाई उससे। तो फिर वहाँ पे दो पुलिस वाले बैठे थे, मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने बला कर अल्लाह उनका, उन्होंने मुझे ना टैक्सी करवा के दी। तो इस तरह से मेरे साथ ना वहाँ पे हुआ। तो वो मुँह मांगे, दाम मांग रहे, कोई 10,000 मांग रहा था, कोई 8 मांग रहा था, उन्होंने 5 में करवाई। तो लेकिन जब मैं घर पहुँची, उसने 2,000 और बढ़ा दिया। मैंने कहा ये क्या, कितना थोड़ा सा दूर था, ये तो हाल है वहाँ पे। दिखाई गई है किस तरह से आप अपना ना किचन को ना सेट कर सकते हैं। ये देखिए मोटा ही एडा वा, देखो मोटा ही एडा वा, हुन उसी ठोने आ वो खा के इन्ना सुस्त होया वा, हो गया देख कितनी मौज कर रहे ने। ये है जिनका बर्तनों का सेक्शन। कौन है ये छाननी है जी। ये देखती अच्छी रहती है ना। जी प्लेटा 14 यूरो दियाँ 4 ने। एक प्लेट जी 5 यूरो दी है। पता नहीं कि सूरज बनया हुआ है। यहाँ पे ये मग लगे हुए हैं। ये पौधों का सेक्शन है। ਇਹ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਾਕਤੋਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰਥੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ,
एक सौ पुराना कब्रस्तान दे चारों तरफ लगी होंगी है जी यार इतने फ्रूट लगता ना वो बड़ा महंगा वा उसको कैक्टस पेयर कहते हैं और बड़ा महंगा होता है और सेहत के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये है जी ये इसको एलोवेरा कहते हैं तो पाकिस्तान जन कहते हैं कुआर गंदल ये अक्सर वो जो, जो, जो होते नहीं गांव में जो गधे होते हैं उनको कूट के खिलाई जाती है तो यहाँ देख लो ये कितने का है ये 9 यूरो का पौधा है।